नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए देखते हैं आज के न्यूज हाइलाइट्स। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय डियर साप्ताहिक लॉटरी, केवल 6 रुपए में अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर सिलीगुड़ी के फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। नगर निगम के डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने खुद सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों से संभावित दुर्घटना की चेतावनी देते हुए फुटपाथ खाली रखने और इलेक्ट्रिक पोल व ट्रांसफार्मर के पास दुकान न लगाने का आग्रह किया। 21 जुलाई को कोलकाता में होने वाली शहीद दिवस रैली के लिए दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस समतल अध्यक्ष पापिया घोष और अन्य समर्थक आज सिलीगुड़ी से रवाना हुए। कार्यकर्ताओं के लिए सहायता केंद्र और टिफिन की व्यवस्था की गई। कई समर्थक हल्दीबारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस से कोलकाता के लिए रवाना हुए। शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा का अंतिम संस्कार गिंग चाय बागान में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। स्थानीय ग्रामीणों, रिश्तेदार, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, गोजमोमो अध्यक्ष बिमल गुरुंग और हामरो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड के शहीद को श्रद्धांजलि दी। भाजपा विधायक शंकर घोष ने पश्चिम बंगाल सरकार से भूमि घोटाले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल नेताओं के अवैध रिजॉर्ट को तोड़ने के नाम पर केवल आई वॉश कर रही है। विधायक ने कहा, श्वेत पत्र जारी होने पर जलपाईगुड़ी जिले के कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जलपाईगुड़ी कारला नदी में डूबा स्कूली छात्र। कारला नदी में माधव अग्रवाल डूब गया। छात्र माधव दोस्तों के साथ नहाने गया था, तेज बहाव के कारण वह डूब गया। एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तलाश में जुटी है। किंग साहेब घाट से तीस्ता कारला संगम तक खोजी जा रही है। कुचबिहार शहर में दुर्गाबाड़ी चौपाटी से धर्मदल्ला मोड़ तक की सड़क लंबे समय से खराब हालत में है। भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क और अधिक क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन द्वारा ध्यान न देने पर विरोध प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दिया। लोगों ने तत्काल सड़क मरम्मत की मांग की। जलपाईगुड़ी के नेवला नदी चाबागान में वन विभाग द्वारा रखे गए पिंजरे में एक तेंदुआ फंस गया। यह तेंदुआ काफी समय से इलाके में घूम रहा था और स्थानीय लोगों को परेशान कर रहा था। पिंजरा लगाने के 12 घंटे के भीतर ही तेंदुए को पकड़ लिया गया, जिससे स्थानीय निवासियों को राहत मिली। कुचबिहार में एक टोटो चालक आलमगीर हुसैन की टोटो चार्ज करते समय करंट लगने से मौत हो गई। घटना कामत फुलबाड़ी इलाके में हुई। परिजनों ने उसे तूफानगंज महकमा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार में मातम छाया है। सिलीगुड़ी में आसीगढ़ चोरी मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी संजीव सूत्रधर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 4 लाख रुपए मूल्य का 50 ग्राम सोना बरामद हुआ। आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामले में शामिल है। उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. के तपाईं सिलीगुडीमा व्यापार गर्न सोच्नु हुँदैछ? त्यसो भए व्यापारको नयाँ उचाइ लिएर आइरहेको छ द्वारिका ओरियन, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ 5 तले भवनमा 10 अत्याधुनिक व्यावसायिक स्थानहरू, जहाँ तपाईँले वास्तु कम्प्लेन्ट, 24x7 सेक्युरिटी, लिफ्ट, लबी आदि सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले आज नै बुकिङ गर्नुहोस् र तपाईँको व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा लाने अवसर प्राप्त गर्नुहोस्। द्वारिका ओरियन, नियर कोर्टयार्ड बाई माछियट, हिलकार्ड रोड, सिलीगुडी। 8069220660। सिलीगुडी के फुलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित
हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल ₹50 कूरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार। नागालैंड स्टेट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। मात्र 4 डिजिट मा टिकट ₹500। ड्रॉ 27 जुलाई। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटर।